सो हाय फ्रेंड्स, आई एम गगन, वेब स्लो में सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे इस नई एचटीएमएल एडमिन टेम्पलेट के बारे में। सो अगर आप एक डिज़ाइनर हो या फिर आप डेवलपर हो तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी यूजफुल होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम इस ब्यूटीफुली एडमिन टेम्पलेट का हम यूज़ करेंगे और इसको कस्टमाइजेशन करना सीखेंगे। सो अगर आप सोच रहे हो अपनी वेबसाइट को रिएक्ट या पीएचपी लैंग्वेज में बनाने की या फिर एचटीएमएल के अंदर, और आप अपनी वेबसाइट के लिए फ्री में एडमिन टेम्पलेट ढूंढ रहे हो जो कि लेटेस्ट हो, यूनिक हो और जिसमें एडवांस कस्टमाइजेशन की ऑप्शन हो, तो ये टेम्पलेट आपके लिए काफ़ी यूजफुल हो सकता है अपनी आपकी वेबसाइट्स के लिए। सो चलिए, मैं ज़्यादा बातें नहीं करता हूँ, सीधा आपको यहाँ इसका डेमो दिखा देता हूँ जो हम इस वीडियो के अंदर इसको डाउनलोड करेंगे, ये देखने में कैसा रहेगा। तो ये थीम सिलेक्शन का बनाया हुआ टेम्पलेट है, एडमिन टेम्पलेट है, जो कि काफ़ी एडवांस है और काफ़ी आपको फ्री में रिस्पॉन्सिव एडमिन टेम्पलेट फ्री में देता है। तो इसमें बता देता हूँ, इसके ये दो वर्जन है, एक आपको यहाँ से फ्री वर्जन मिलेगा और एक इसका यहाँ से पेड वर्जन है। इन दोनों की बात करूँगा मैं वीडियो के एंड में कि पेड और फ्री में क्या डिफरेंस है, लेकिन अभी मैं आपको इसका लेआउट दिखा देता हूँ जो हम इस वीडियो के अंदर यहाँ से कस्टमाइजेशन करेंगे। सो जब आप इसका डेमो ओपन करते हो तो आप देखोगे कि बिल्कुल एडवांस एक एडमिन पैनल का लेआउट आपको दिख जाएगा, जिसमें लेफ्ट साइड में इसकी मेन्यू आइटम्स आ रही है, राइट साइड पे इसका लेआउट आ रहा है इंडेक्स का, जो कि नॉर्मल एडमिन टेम्पलेट के अंदर होता है। ठीक टॉप बार के ऊपर आपको यहाँ से प्रोफाइल नजर आएगी, जिसके अंदर बेसिक चीज़ें हैं जैसे कि माई प्रोफाइल हो गया, सेटिंग हो गया, बिलिंग हो गया और लास्ट में यहाँ से इन्होंने लॉग आउट का बटन दे रखा है। इसके अलावा अगर आप इंडेक्स पेज की बात करोगे तो उन्होंने कुछ सेक्शन डिवाइड कर रखे हैं, ये देखिए, इसको आप 70 और 30 का यहाँ से सेक्शन डिवाइड करके बोल सकते हो। जैसे आपको पता ही है कि नॉर्मली एडमिन पैनल के अंदर एनालिटिक डेटा शो होता है, तो इन्होंने भी बहुत अच्छे से एनालिटिक डेटा के लिए कुछ यूनिक यूआई का यूज़ किया है, जिसमें आप देख सकते हो यहाँ से ऐसे डेटा आ रहा है। इसी तरह से काउंटिंग आप देख सकते हो कि हमेशा एडमिन पैनल के अंदर काउंटिंग नंबर होते हैं जिनका हमेशा हम यूज़ करते हैं। अभी यहाँ से बिल्कुल ये स्टैटिक होगा, लेकिन इसको डायनेमिक कैसे करना है और अपना कस्टम यहाँ से कोड आप कैसे यूज़ कर सकते हो उसकी भी बात करेंगे इसके अंदर। और नीचे अगर मैं लास्ट में आपको दिखाऊंगा तो ये इनका स्टैट दिख रहा है, इनकी कुछ टैब्स आ रही हैं और यहाँ से ट्रांजेक्शन का इन्होंने टैब बना रखा है। अगर मैं इसकी बात करूँ यहाँ से ड्रॉप डाउन मेन्यू की, तो ये काफ़ी अच्छे बने हुए हैं। और किसी भी पेज के अंदर मैं जाऊँगा तो ये देखिए, हमारा हेडर सेम रहता है लेकिन हमारे यहाँ से पेज यहाँ से चेंज होते जाते हैं और कंटेंट हमारा चेंज होता है। और मैं दोबारा अगर होम पेज पर जाऊँगा और अगर इसकी मैं बात करूंगा रिस्पॉन्सिव पार्ट के ऊपर, तो आपको वो भी दिखाता हूँ, ये बिल्कुल रिस्पॉन्सिव है। तो ये देखिए, अगर इसको मैं रिस्पॉन्सिव के ऊपर लेके जाता हूँ तो आज की डेट के अंदर अगर यूनिक और लेटेस्ट वाला अगर आपको कोई भी एडमिन पैनल देखना है तो ये बिल्कुल उस हिसाब से बना है। तो ये देखिए, अगर इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा तो ये बिल्कुल मोबाइल फ्रेंडली है। जैसे मैं डेस्कटॉप के ऊपर लेआउट दिख रही थी, उसी तरह से मुझे यहाँ से मोबाइल में भी लेआउट अच्छे से नजर आ रही है और अलग अलग पेजेस यहाँ से इन्होंने बना रखे हैं। और किसी भी पेज को अगर मैं ओपन करूँगा तो हर एक पेज का यहाँ से मुझे लेआउट दिखता जाएगा और हर एक पेज मुझे रिस्पॉन्सिव नजर आएगा। तो चलिए, मैं अगर इसको थोड़ा सा टैबलेट के मोड में लेके जाऊँगा और हम दोबारा होम पेज पर चले जाते हैं, तो आप देखोगे ये किसी भी आप लेआउट को आप स्क्रीन के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो, ये बिल्कुल आपको रिस्पॉन्सिव दिखेगा। और मैं आपको बता देता हूँ, इस वीडियो के अंदर हम इसका यूज़ करेंगे और वो भी बिल्कुल फ्री में। तो मैं फ्री वाला डाउनलोड करूँगा और आपके साथ कस्टमाइजेशन करके दिखाऊंगा कि कैसे कैसे इसको आप कस्टमाइजेशन कर सकते हो, इसका आप यूज़ कर सकते हो अलग अलग लैंग्वेज के ऊपर, अपनी कस्टम फाइल्स कैसे बना सकते हो, उसको कैसे ऐड ऑन करना है, हम फुल इस पर देखेंगे। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग टाइम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो दोस्तों, सबसे पहले आपको इस टेम्पलेट को डाउनलोड करना होगा। तो डाउनलोड करने के लिए आपको यहाँ से सिंपल डाउनलोड फ्री बटन के ऊपर क्लिक करना है, क्योंकि मैंने इस ब्राउजर के ऊपर इस टेम्पलेट को ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है। तो हम क्या करेंगे, इस न्यू विंडो के अंदर जाएंगे, इस लिंक को मैं यहाँ से ओपन करूंगा। तो ये मैं स्टेप आपको सिर्फ दिखा रहा हूँ, आप किसी भी ब्राउजर के ऊपर कर सकते हो फर्स्ट टाइम के अंदर। तो जब आप इस पे पहली बार आओगे, इस लिंक के ऊपर आओगे, ये लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर भी दे रखा है, तो आपको वहां से जाना है ये थीम सिलेक्शन के लिंक के अंदर, आपको डाउनलोड फ्री के ऊपर क्लिक करना है। तो जब इस लिंक के ऊपर क्लिक करोगे आपके सामने यहाँ से एक पॉपअप आ जाएगा। तो ये क्या कह रहे हैं, आपको सबसे पहले इसके अंदर साइन इन करना होगा, तो आपको अपना अकाउंट बनाना होगा। तो आप अपना अकाउंट किसी भी सोशल मीडिया के साथ क्रिएट कर सकते हो, चाहे वो जीमेल हो, फेसबुक हो, ट्विटर हो, चाहे फिर आपका गिटहब अकाउंट हो सकता है। और इसके अलावा इन्होंने ऑप्शन दे रखी है, चाहे आप यहाँ से कस्टम अपना डेटा डाल सकते हो और यहाँ से साइन अप कर सकते हो। तो जब आप साइन अप हो जाओगे, यानी कि आप लॉग इन हो जाओगे, तो लॉग इन करने के बाद जब आप इसके ऊपर दोबारा क्लिक करोगे तो आपका ये जो टेम्पलेट है ये डाउनलोड हो जाएगा। मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि मैं यहाँ से इस वाले टेम्पलेट का फ्री और पेड वर्जन को कंपैरिजन करेंगे। तो चलिए, कुछ ही सेकंड्स के अंदर इसके पेड वर्जन को भी हम समझ लेते हैं। फ्री वाला हमने डाउनलोड कर लिया, कस्टमाइजेशन कर लिया, लेकिन प्रो वर्जन में आपको क्या क्या मिल रहा है, तो चलिए उसकी बात करते हैं। अगर आप इसके प्रो वर्जन के अंदर आएंगे तो आप देखोगे
तो इसकी जो लेआउट है, यानी कि अभी हमने एक लेआउट हमें मिल रही है, लेकिन पेड वाले में आपको अगर आप देखोगे तो यहाँ से अलग अलग लेआउट आपको यहाँ से देखने को मिलती है। यानी कि इनके बॉर्डर लेआउट आ रही है, सेमी डार्क लेआउट आ रही है, डार्क वाले इनके बहुत लेआउट अच्छे लग रहे हैं। मेन्यू इनके अलग तरीके से आते हैं, ये देखिए हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल है, तो इनको अलग अलग तरीके से आप यूज कर सकते हो, लेआउट आपको अच्छे से मिल जाएगी। उसके अलावा पेड वाले में आपको क्या क्या मिल रहा है, तो ये देखिए, अगर मैं जितना थोड़ा सा नीचे आऊंगा, जो जो फीचर ये अच्छे से दे रहे हैं, इन्होंने सभी दे रखा है। लाइसेंस इनका एक्सटेंड हो जाता है, सपोर्ट इनका एक्सटेंड हो जाता है पेड वाले में, और उसके अलावा इनका आपको एट्रीब्यूशन मिल जाएगा। एट्रीब्यूशन क्या है ये देखिए, एट्रीब्यूशन इज रिक्वायर्ड, अगर आप फ्री वाला डाउनलोड करते हो तो आपको ये लगाना जरूरी है। ये क्या है मैं आपको वो भी बता देता हूँ, जैसे मैंने आपको बताया कि साथ में आपको प्रैक्टिकल भी चीज़ें बताऊंगा। एट्रीब्यूशन इनका जरूरी है फ्री वाले में, आप इनका बिना अगर आप डाउनलोड करते हो फ्री में, इनका फुटर में देना ये जरूरी है। अगर आप नहीं दोगे तो इनके पास ये लाइसेंस होता है, तो आपको फ्री वाले में इनका एट्रीब्यूशन यूज करना जरूरी है। लेकिन इस एट्रीब्यूशन को हटाने के लिए आपको पेड वाले के लिए लेना पड़ेगा, तो पेड वाला लोगे तो एट्रीब्यूशन हट जाएगा, लाइसेंस एक्सटेंड हो जाएगा। ऐसे अलग अलग तरीके की आपके पास लेआउट आ जाएगी। और उसके अलावा अगर मैं नीचे जाऊंगा तो ये देखिए, जितनी भी इनकी एक्स्ट्रा डायनेमिक एप्स इनके साथ इंटीग्रेशन हो सकती है या उसका इंटरफेस आप यूज कर सकते हो, ये सारा पेड के अंदर आता है। और इसके अलावा अगर आप देखोगे, ये नंबर्स में भी बता रहे हैं कि क्या क्या आपको ये प्रोवाइड कर रहे हैं, कि 40 तरह के चार्ट्स हैं, 50 प्लस इनके विजेट्स हैं, 45 कार्ड्स हैं, यूआई कंपोनेंट्स हैं, पेज है, लेआउट है। और इसके अलावा ये देखिए, इन्होंने उनका थोड़ा सा यूआई भी दे रखा है कि कैसे कैसे कार्ड्स और विजेट इनके वर्क करते हैं। तो ये पेड में था, थोड़ा सा मैंने आपको वर्बली बताया, थोड़ा सा प्रैक्टिकल भी आपको बता देता हूँ। मैंने यहाँ से दो फोल्डर ओपन कर रखे हैं, अगर मैं आपको यहाँ से बताऊंगा तो ये वाला जो फोल्डर है ये फ्री वाला है, जिसके अंदर हम काम कर रहे थे, जिसके अंदर अभी ध्यान से देखिए, मेरे अंदर मेरे पास यहाँ से 40 आइटम्स हैं, 40 आइटम्स के अंदर मुझे ये सारे फोल्डर मिल रहे थे। ये मेरा पेड वाला है, तो पेड वाले के अंदर मुझे 15 आइटम्स मिल रही है, बाकी तो फोल्डर मुझे सेम है। एक फोल्डर मुझे यहाँ से एक एक्स्ट्रा मिलता है, जिसके अंदर मैं जाऊंगा, जो 6 लेआउट की मैं बात कर रहा हूँ, तो उस लेआउट के अंदर मुझे यहाँ से ये चीजें दिखाई दे रही हैं। ये देखिए, इन्होंने नेम भी दे रखे हैं, ये देखिए हॉरिजॉन्टल मेन्यू, इसको हम ओपन कर लेते हैं। चलिए इसको हम यहाँ से ओपन करेंगे, तो इसको मैं यहाँ से ले जाऊंगा। तो चलिए पेज वन में ये है और पेज टू में ये आ रहा है, तो चलिए बाकी फोल्डर को भी मैं यहाँ से ओपन करके दिखाता हूँ। तो अगर मैं इस वाले को ओपन करूंगा, वर्टिकल वाले को, तो आप देखोगे मेरा वर्टिकल यहाँ से मेन्यू आ जाता है। तो इसी तरह से पेड वाले में जो लेआउट का इनका ऑप्शन है वो ज्यादा बढ़ गया है, वर्टिकल मेन्यू आ गए हैं, हॉरिजॉन्टल मेन्यू वाला आ गया है, डार्क मोड इन्होंने दे रखा है, अगर इसको मैं डार्क में करूंगा तो डार्क हो जाएगा, लाइट में करूंगा तो ये लाइट चला जाता है। तो ऐसे छोटे छोटे फीचर है, लेकिन पेड वाले में आपको लाइसेंस, एट्रीब्यूशन, बाकी बहुत सारी एक्स्ट्रा चीजें मिल जाती हैं, और इसके जो भी एक्स्ट्रा जो ऑफर दे रहे हैं आपको वो मिल जाती है, तो आप इन सभी का यूज कर सकते हो। उसके अलावा मैंने कूपन दे रखा है, उस कूपन का आप यूज कर सकते हो। उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें, अगर आपको पेड वाला डाउनलोड करना है वो भी मैंने डिस्क्रिप्शन में बता रखा है, आप उसको कैसे डाउनलोड कर सकते हो। तो होपफुली दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो थैंक यू सो मच, अगर आप यहाँ तक आए हो वीडियो को देख रहे हो तो पहले तो थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट कर देना, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, तो ऐसे ही मैं यूजफुल वीडियो लाता रहता हूँ, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो चलिए मिलता हूँ ऐसे किसी यूजफुल वीडियो के साथ, तब तक सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए।